स्वर संधि का हमारा पांचवा जो भाग है वो है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं, अयादि संधि किस प्रकार की होती है? जैसे कि यदि ए के बाद ए आता है, ए एडी के बाद ए अनार वाला यदि आता है तो उसका क्या हो जाता, अय हो जाता है। ए के बाद यदि ए आता है मतलब एनिक वाला के बाद यदि अनार वाला आता है तो उसका आय हो जाता है। यदि ए के बाद ई आता है तो उसका आई हो जाता है, और ओ के बाद यदि ए आता है तो उसका अव हो जाता है, ओ के बाद यदि ई आता है तो उसका अभी हो जाता है जैसे कि गवीश, और औ के बाद यदि ए आता है तो आव हो जाता है जैसे कि पावक, और औ के बाद यदि ई आता है तो उसका आभी हो जाता है जैसे कि नाभिक, और औ के बाद यदि उ आता है तो उसका आवु हो जाता है कि जैसे कि भावु। तो ये सारे अयादि संधि के उदाहरण हैं। इन फॉर्मूलों के अनुसार हम एक एक उदाहरण को समझेंगे। जैसे कि नयन, नयन को यदि हम विच्छेद करते हैं, यदि इसका विखंडन करते हैं, यदि इसको अलग अलग करते हैं तो नय प्लस अन, तो ने में से हमने निकाला ए और अन में से हमने निकाला ए, और ए और ए मिलकर के यहां पे हुआ क्या, आए आए, तो हमारा क्या बनेगा यहां पे, हमारा लास्ट में है अन, तो हम यदि इसको पूरा बनाएंगे तो ये बनेगा नयन, क्योंकि ये जब इसका विच्छेद होता है तो ये ने छोटा हो जाता है, इस ए को यहां मिलाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा ने, और ये आ जाएगा, इसके बाद ये भी छोटा है, संस्कृत में इसको अनंत बोलते हैं, तो हलंत में यदि ए मिल जाएगा तो ये पूरा ये हो जाएगा, तो ये शब्द हमारा बनेगा नयन। इस तरह से यदि संस्कृत के माध्यम से इन चीजों को समझते हैं तो बहुत सरलता है, क्योंकि जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत शब्दों से हुई है, हमारी जननी जो है वो संस्कृत भाषा है, संस्कृत से हिंदी बनी है, और जो हिंदी में हम जो ग्रामर को पढ़ते हैं, व्याकरण को पढ़ते हैं, ये हिंदुस्तान की जननी है हमारी हिंदी भाषा। तो इस तरह से इनके विखंडन होते हैं, इनका विच्छेद होता है, और किस किस तरह से ये हलंत वगैरह से इनसे शब्द बनते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, विधायक, विधायक कैसे बना। जैसे कि विध है प्लस अक, इसमें हमने यदि देखा तो क्या आ रहा है, दो मात्रा है तो ए आ रहा है, और अक में से हमने लिया ए, जैसा कि ए और ए के बाद ए आता है तो क्या हो जाता, आए हो जाता है, यहां पे क्या हो जाएगा इसका आए, तो क्या हो जाएगा वी धय, और यहां पे अक, ये भी हलंत था, इनको अब मिलाएंगे हम तो आ इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा विधा, और इस हलंत ये में यदि ये ए मिलाएंगे तो पूरा हो जाएगा, क्या शब्द बन गया हमारा विधायक। ठीक है, इसी तरह से नाई का, नाई का तेरे नयन, तो नयन हमने बनाया इससे पहले, अब बनाते हैं हम नाई का। नाई का में, नाई का के नए प्लस ई का, नए में से दो मात्रा है तो क्या हुआ आई हुआ, और ई का में से हमने निकाला ई, यदि ए के बाद ई आता है, ए के बाद यदि ई आता है बड़ा तो क्या हो जाता है आई हो जाता है, क्या हो जाता है आई हो जाता है, तो ने का ये ने आधा है अभी, ये इका, ये इका। ठीक है, तो आ इसमें मिलाया हमने तो इसको ये मात्रा बड़ी हो गई। ठीक है, अब ये यदि हलंत होता है तो इस ई को हमने हटा दिया, इसमें मिलाया, क्योंकि आई हो गया ये मिलकर के ना, तो बन जाएगा शब्द हमारा नाई का।
ठीक है। इसी तरह से गवाक्ष, गवाक्ष में गो, गो प्लस अक्ष, गो में से हमने ओ निकाला और अक्ष में से हमने ए निकाला। यदि ओ के बाद ए आता है तो अव हो जाता है, क्या हो जाता है, अव हो जाता है। कब नहीं होगा, अव होगा। तो अव में किस तरह से बनेगा, जैसे कि गे था ये और इधर था हमारा अक्ष, जैसे कि मैंने बताया हमेशा ये हलंत रहता है, तो ए को इसमें मिलाया तो ये पूरा हो गया और इसको इधर मिलाया तो ये भी पूरा हो गया, तो क्या बन गया शब्द हमारा, गवाक्ष, ये गवाक्ष। अब अगला उदाहरण है हमारा गविश, गो प्लस ईस, गो में से हमने ओ निकाला और ईस में से हमने बड़ा ई निकाला, जैसा कि फॉर्मूला है हमारा, ओ के बाद यदि बड़ा ई आता है तो क्या हो जाता है, अभी हो जाता है। तो ये अभी होगा, कब होगा, अभी होगा। तो गवीश में से गे, अभी और ईस, ठीक है। तो इसको यदि हम मिलाते हैं ए को इसमें तो हलंत का पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये ई जो था और ई मिलकर के बना अभी, तो ये हमारा शब्द बना गवीश। इसी तरह से पावक बनेगा, पावक में क्या होगा, पौ, पौ के ऊपर दो मात्रा पौ प्लस अख, पौ में से हमने लिया औ और अख में से हमने लिया ए, और इसके जैसे कि फॉर्मूले में देख रहे हैं हम, औ के बाद ए आता है तो क्या हो जाता है, आव हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा पावक। जैसे अगला उदाहरण है हमारा नाभिक, नाभिक में देखेंगे हम नौ प्लस इक, यदि ओ के बाद, ओ के बाद ई आता है तो उसका आबी हो जाता है, क्या हो जाता है, आबी हो जाता है, तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, नाभिक, क्योंकि ये हलंत होता है, इसको पूरा करने के लिए ये आकर डंडा हम यहां पे लेकर के आए, तो ना और बी और के, नाभिक बन गया। अगला उदाहरण है हमारा भावुक, भावुक में भौ और उक, भौ में से हमने निकाला औ और उक में से निकाला हमने उ, जैसे कि हमारे फॉर्मूला में है औ के बाद उ आता है तो आबू हो जाता है, तो ये क्या होगा, आबू हो जाएगा, आबू। तो भौ में से हमने औ निकल गया था तो ये क्या बचा था, आधा भे बचा था, और उक में से उ यहां पर हमने ले लिया तो यहां पीछे क्या बचा, के बचा। अब इसको पूरा बनाने के लिए हम ये आकर डंडा इधर लेकर के आएंगे, भाव हो गया, तो ये हमारा भावुक शब्द बन गया, बहुत सिंपल है ये। तो ये हमारी अयादि संधि थी, अयादि संधि में ए, एडी वाला यदि आता है उसके बाद ए आता है तो ए हो जाता है, आई के बाद ए आता है तो आई हो जाता है, और आई के बाद बड़ी ई आता है तो आई हो जाती है, और ओ के बाद यदि ए आता है तो अब हो जाता है, और ओ के बाद ई आता है तो अभी हो जाता है, और ओ के बाद यदि ए आता है तो आव हो जाता है, जैसे कि पावक, और ओ के बाद ई आता है तो आबी हो जाता है, जैसे कि नाभिक, और ओ के बाद उ आता है तो आबू हो जाता है, जैसे कि भावुक। तो ये सारे जो हमने उदाहरण पढ़े, नयन, विधायक, नायिका, गवाक्ष, गभी, पावक, नाभिक और भावुक, तो ये सभी हमारे किसके उदाहरण थे,
अयादि संधि के। तो ये सारी स्वर संधि है। स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और अभी हमने ये सारा जो पढ़ा वो क्या था, अयादि संधि। तो ये सारे उदाहरण हमारे स्वर संधि के हैं। तो बहुत सिंपल है, और लेकिन आपको ये जब तोड़ करके अलग अलग संस्कृत के माध्यम से बताया जाता है, तो ये बार बार आप इस वीडियो को देखोगे तो देखने में आपको पता चलेगा किस तरह से एक एक शब्द टूट रहा है और वो शब्द बन रहा है। तो आराम से ये बार बार इसका रिविजन करोगे तो आराम से बहुत सरलता से हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।